मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है। मंजिल, हौसला, उड़ान, यह तीन शब्द मिलकर ही सफलता की शख्सियत को वास्तविक दुनिया में भौतिक आकार प्रदान करते हैं। संघर्ष चाहे जीवन आयामों का हो या खेल के मैदान का, सामान्य व्यक्तित्व की पराकाष्ठा को लांघकर जो भी आगे निकला, इतिहास ने सर झुकाकर उस व्यक्तित्व को सलाम ठोका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्रिकेट मैदान के एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की जिसके सामने पूरी ऑस्ट्रेलियाई स्लेजिंग तक की पड़ जाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे यश श्रीसंत की, जिनका क्रिकेट सफर विवादों, संघर्ष, चुनौतियों की एक अद्भुत दास्ता है। श्रीसंत का जन्म 6 फरवरी 1983 को केरला के कोतमंगलम में हुआ। श्रीसंत का पूरा नाम शांता कुमारन श्रीसंत है। श्रीसंत के पिता का नाम शांता कुमारन नायर और माता का नाम सावित्री देवी है। इसके अलावा इनके परिवार में एक बड़े भाई और दो बड़ी बहनें भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा वाले श्रीसंत का बचपन उनकी कई सारी प्रतिभाओं के बीच गुजरा। श्रीसंत पढ़ने में भी अच्छे थे, खेलने में भी अच्छे थे और साथ ही साथ डांस में भी उन्होंने ख्याति अर्जित कर ली थी। लेकिन इन सारी प्रतिभाओं के बावजूद क्रिकेट खेलने से श्रीसंत को एक अलग ही सुकून मिला करता था। श्रीसंत ने बचपन में अपने क्रिकेट खेल की शुरुआत अनिल कुंबले को आदर्श मानते हुए एक लेग स्पिनर के तौर पर की। हालांकि उनके यॉर्कर डालने की क्षमता और उनके एग्रेशन से प्रभावित होकर उनके बड़े भाई ने उन्हें एक तेज गेंदबाज बनने की सलाह दी, जिसके बाद श्रीसंत ने राइट आर्म फास्ट मीडियम में गेंदबाजी करना शुरू कर दी। एक तेज गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए श्रीसंत ने केरला के कई सीनियर तेज गेंदबाजों को अपनी प्रतिभा एवं अपने अग्रेशन से अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके कारण घरेलू मैचों में पदार्पण से पहले ही अपनी गेंदबाजी और अपने अग्रेशन को लेकर श्रीसंत ने खूब नाम कमा लिया था। जिसके चलते साल 2002-03 रणजी सीजन में श्रीसंत का घरेलू मैचों में पदार्पण हो गया। अपने डेब्यू सीजन में खेले कुल 7 मैचों में श्रीसंत ने 22 विकेट अपने नाम किए। अपने इसी प्रभावशाली प्रदर्शन के चलते उन्हें उसी साल दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की तरफ से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने अपने शानदार खेल की लय को बरकरार रखा। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में अपने किफायती प्रदर्शन के बाद श्रीसंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया टीम ए में जगह दे दी गई। हालांकि इस सीजन में श्रीसंत चोटिल हो गए और कुछ महीनों तक उन्हें क्रिकेट से दूरी बनानी पड़ गई। इसी बीच ये अफवाहें उड़ी कि श्रीसंत ने क्रिकेट से दूरी अपने एस्ट्रोलॉजर की सलाह मानते हुए बनाई है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में लंबा सफर तय कर सके। हालांकि इन अफवाहों को श्रीसंत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद नवंबर 2004 में घरेलू मैचों में वापसी करते हुए श्रीसंत ने अपने करिश्माई प्रतिभा का जलवा बिखेरा और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक के साथ अपने नए क्रिकेट सफर की शुरुआत कर दी। अगर हम बात करें श्रीसंत के कुल प्रथम श्रेणी क्रिकेट आंकड़ों की, तो उन्होंने कुल 82 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 104 विकेट 35.48 की औसत से अपने नाम किए। वहीं इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 55 रन देकर 6 विकेट रहा। बात करें श्रीसंत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में अपना पहला कदम श्रीसंत ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में रखा था। अपने डेब्यू मैच में श्रीसंत ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद कुछ मैचों में जगह न बना पाने के बाद श्रीसंत को पाकिस्तान में होने वाली 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए फिर से टीम में पिक कर लिया गया, जिसमें सीरीज के आखिरी मैच में श्रीसंत ने 58 रन देकर 4 विकेट चटकाए और भारतीय एक दिवसीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद श्रीसंत का टेस्ट डेब्यू जहीर खान की अनुपस्थिति के कारण साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में हो गया। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में श्रीसंत ने 95 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं अगर हम बात करें श्रीसंत के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की, तो श्रीसंत का T20 में डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ। बात करें श्रीसंत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आंकड़ों की, तो उन्होंने टेस्ट, एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय में क्रमशः 27, 53 और 10 मैच खेले, जिसमें उनके कुल विकेट क्रमशः 87, 75 और 7 हैं। टेस्ट में उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 440 का रहा, एक दिवसीय मैचों में 655 का रहा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 212 का रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीसंत अपने प्रदर्शन से ज्यादा अपने विवादों के कारण सुर्खियों में रहे। खेल के प्रति गहरे अग्रेसन को लेकर श्रीसंत मैदान पर अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते थे और खेल के दौरान हमेशा कुछ ऐसा कर जाते जिसके कारण कहीं न कहीं उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर पर नकारात्मक प्रभाव छूट ही जाता था। श्रीसंत के क्रिकेट करियर के कुछ मुख्य विवादों में से कुछ विवाद हैं। साल 2006 में साउथ अफ्रीकन गेंदबाज आंद्रे नील की बॉल पर छक्का लगाने के बाद किया गया उनका अजीब डांस, जिसके कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ी। श्रीसंत के अगले मुख्य विवाद में है साउथ अफ्रीकन ओपनर हाशिम अमला को आउट कर
करने के बाद उन्हें स्लेस करना, जिसके कारण श्रीसंत को अपनी मैच फीस का 30% जुर्माना चुकाना पड़ा था। इसके बाद साल 2007 के इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर एक मैच में श्रीसंत को अपनी आधी मैच फीस जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ी थी इंग्लैंड के कप्तान माइक वॉन को कंधा मारने के कारण। साल 2007 के ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एंड्रू साइमंड्स को आउट करने के बाद श्रीसंत द्वारा किए गए ओवर अग्रेसिव सेलिब्रेशन ने उन्हें विवादों में डाल दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन और तमाम विवादों से हटकर श्रीसंत ने आईपीएल में भी प्रदर्शन और विवादों के नए आंकड़े प्राप्त किए। आईपीएल में श्रीसंत 2008 से 2010 तक किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे। वहीं साल 2013 में श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ गए। आईपीएल में श्रीसंत ने कुल 44 मैच खेले और 40 विकेट अपने नाम किया, जहां इनका इकोनॉमी रेट 8.14 का रहा। श्रीसंत के आईपीएल करियर में हुए विवाद उनके क्रिकेट करियर का सबसे चर्चित विवाद रहा। आईपीएल का पहला विवाद आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 में श्रीसंत के साथ जुड़ा। हुआ यूं कि सीजन का 10वां मैच मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई को पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मैच के खत्म होने के बाद श्रीसंत ने हरभजन से, जो कि मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, चिढ़ाने वाले लहजे में कहा हार्ड लक, जिससे गुस्साए हरभजन ने मैदान पर ही श्रीसंत को चाटा मार दिया। इसके बाद श्रीसंत को लाइव टेलीविजन में रोते हुए कवर किया गया, जिसके कारण बीसीसीआई ने हरभजन को आईपीएल से बाहर करते हुए उन पर 5 एक दिवसीय मैचों का प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अगला आईपीएल विवाद श्रीसंत के साथ आईपीएल 2013 में जुड़ा, जिसके बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर थम गया। दरअसल 2013 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने के दौरान उन पर अजीत चंदीला और अंकित चवन के साथ स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत श्रीसंत को गिरफ्तार भी किया गया। 3 खिलाड़ियों के हवाले से यह कबूल भी किया गया कि वह स्पॉट फिक्सिंग में संलिप्त थे। इसके बाद बीसीसीआई ने तीनों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि श्रीसंत ने बीसीसीआई से कानूनी लड़ाई जारी रखी और 2019 में उनके आजीवन बैन को खत्म करते हुए केवल 7 साल का प्रतिबंध कर दिया गया था। आपको बता दें कि श्रीसंत अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष शुरू कर चुके हैं। अगर बात करें श्रीसंत के निजी जीवन की, तो श्रीसंत ने साल 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वरी कुमारी से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। साल 2013 में क्रिकेट में पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद श्रीसंत ने बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। साथ ही साल 2018 में उन्होंने बहुचर्चित टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लिया था, जहां से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।